अगर आप ऑनलाइन ग्रेच्युटी केस फाइल कर चुके हैं तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसे हम जानेंगे, क्योंकि मेरे कई दर्शक मुझसे यह सवाल कर रहे हैं कि सर, हमने ग्रेच्युटी का केस ऑनलाइन तो फाइल कर दिया, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी यह हमें बताए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक संक्षेप वीडियो बना दी जाए। इसे मैं काफी सरल और आसान भाषा में बताऊंगा ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सके, और इसमें मैं ज्यादा कानूनी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। तो देखिए, जब भी आप ऑनलाइन ग्रेच्युटी केस फाइल करते हैं तो आपको अपने क्षेत्र के कंट्रोलिंग अथॉरिटी का ऑप्शन आता है, उसे आप चुनते हैं, यही उनका कार्यालय होता है और आगे की सभी प्रक्रिया उन्हीं के यहाँ होगी। जब आप केस फाइल कर देते हैं तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हैं। यह नोटिस मेल या पोस्ट के माध्यम से होता है और उसी नोटिस में एक तारीख फिक्स करते हैं, उस दिन आपको उनके कार्यालय में जाना होता है। अब अगर आपको यह नोटिस नहीं मिलता है तो फाइल के 10 से 15 दिन के बाद उनके कार्यालय में जाकर पता करना होता है कि आपका केस का नोटिस हुआ है या नहीं। अब जब आप उस दिन हाजिर होते हैं उनके कार्यालय में तो वह प्रबंधन से कहेंगे कि आप अपना लिखित कथन फाइल करें कि क्यों नहीं आपने ग्रेच्युटी का भुगतान किया है। अब जब प्रबंधन के तरफ से लिखित कथन फाइल हो जाता है तो आपको उसके लिखित कथन का रिजाइंडर देना होगा और उसके बाद दोनों पक्षों की गवाही के लिए तारीख कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा तय की जाएगी। अब दोनों पक्ष की गवाही हो जाने के बाद फाइनल बहस के लिए तारीख तय की जाएगी और उसके बाद कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपना निर्णय देंगे। तो इस प्रकार से ऑनलाइन ग्रेच्युटी केस फाइल करने के बाद की प्रक्रिया चलती है।